आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इस श्लोक का मतलब है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ही नहीं कह रहे, अर्जुन के जरिए पूरी सृष्टि को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर धर्म को कुचला जाएगा और जब जब अधर्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब तब मैं उत्पन्न होऊंगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। एक तरह से भगवान ने मानव जाति को एक बहुत बड़ा भरोसा दिया है। कई ऐसे मौके आते हैं मानव इतिहास में जब अधर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और लोगों को लगने लगता है कि सच्चाई से कुछ नहीं होगा, ईमानदारी से कुछ नहीं होगा, अधर्म करने से ही होगा। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाता है, आदमी अच्छे लोग उम्मीद खो बैठते हैं। ऐसे मौक़ों के लिए भगवान ने इस मानव जाति को ये भरोसा दिया है कि अगर ऐसा मौका आएगा, तब तब मैं मानव जाति के कल्याण के लिए और मानव जाति को उस परिस्थिति से निकालने के लिए मैं अवतार लूँगा या उत्पन्न होऊँगा। ये बहुत बड़ा भरोसा है भगवान का मानव जाति को। आज हमारे देश के अंदर जो घटित हो रहा है, ये कुछ उसी तरह की परिस्थिति है। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला है, चारों तरफ इतना अधर्म हो गया है, इतना अधर्म हो गया है, चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला है कि लोगों को लगने लगा है, आपस में चर्चा करने लगे हैं कि यार अब ईमानदारी से कोई फायदा नहीं है, अब सच्चाई से कोई फायदा नहीं है, सच्चाई के रास्ते पे चलने से कोई फायदा नहीं है। और लोग देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े कुकर्म चल रहे हैं, बड़े से बड़े स्तर के ऊपर चल रहे हैं। जो लोग कुकर्म कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनकी तो तरक्की हो रही है। जो लोग अधर्म कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं उनकी तो तरक्की हो रही है। देश में 75 साल के बाद इस देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे भविष्य की उम्मीद देने वाला मनीष सिसोदिया आज जेल के अंदर है, धर्म जेल के अंदर है, और हमारे देश की बेटियों को, मां बहनों को छेड़ने वाला ब्रजभूषण सिंह सत्ता भोग रहा है, सत्ता का सुख भोग रहा है। आज इस देश के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाला, गरीबों को गरीब दवाइयां दिलवाने वाला सतेंद्र जैन जेल के अंदर है, और चुन चुन के इस देश के सबसे बड़े कुकर्मी, सबसे भ्रष्टाचारी हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, भावना गावली, अशोक चव्हाण, यशवंत यादव, यामिनी यादव, छगन भुजबल, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, गोपाल कांडा, पता नहीं इतनी लंबी लिस्ट है, चुन चुन के इस देश के सबसे कुकर्मी और सबसे भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के उन वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ईमानदार लोग जेल के अंदर हैं। आज इतना ज्यादा अधर्म हो गया है, चारों तरफ इतना अधर्म का बोलबाला हो गया है, खुलेआम एमएलए को खरीदा जा रहा है। हमारे एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, एमएलए को खरीद खरीद के खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। कर्नाटक में एमएलए खरीद गए, गोवा में एमएलए खरीदे गए, महाराष्ट्र में एमएलए खरीदे गए, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे गए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एमएलए खरीदे गए, उत्तराखंड में एमएलए, खुलेआम एमएलए खरीदे जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए के काले धन से एमएलए खरीदे जा रहे हैं, सरकारें खुलेआम गिराई जा रही हैं। लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है धर्म से। चारों तरफ इतना धर्म का बोलबाला हो गया है। और ये जो चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ के अंदर इनके अधिकारी ने वोट में गड़बड़ करके भारी बहुमत से जीतने वाले व्यक्ति को हरा दिया और हारने वाले व्यक्ति को जिता दिया। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ। पाकिस्तान के अंदर भी तो रावलपिंडी के उस इलेक्शन कमिश्नर की आत्मा जाग गई जिसने आके कहा कि हमने भारी बहुमत से उन लोगों को हरा दिया जो भारी बहुमत से जीत रहे थे, और उनको जिता दिया जो हार रहे थे। तो ये तो इन लोगों ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया। 75 साल के अंदर जो इस देश ने अचीव किया था, हासिल किया था, कड़ी मेहनत से इस देश के 140 करोड़ लोगों ने
मेहनत करके इस देश के अंदर हासिल किया था, और एक झटके के अंदर इन लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। आज चुनाव जीतने के लिए इनको जो मर्जी करना पड़े करेंगे, ईवीएम में धांधली करनी पड़े करेंगे, ईडी पीछे लगानी पड़े लगाएंगे, सरकारें गिराने के लिए जो मर्जी करना पड़े करेंगे। आज सारे विपक्ष के नेताओं को एक 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 करके ये जेल में डालते जा रहे हैं, चुनाव तो लड़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। आज इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया, अब चारों तरफ चर्चा है अगला आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट लड़ रहे जीत रहे हैं। 370 कहने का मतलब यह है इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं तुम जाओ भाड़ में, 140 करोड़ लोग गए तेल लेने, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना तुम्हारा वोट चाहिए, घर बैठना। 370 सीट हमारे पास मशीन है, मशीन से 370 सीटें आ रही हैं हमारी। जिस दिन इस देश के अंदर लोगों की जरूरत ना पड़े, जनतंत्र के अंदर वोटों की जरूरत ना पड़े, देश ही नहीं बचेगा। तो लोग देख रहे हैं इतने बड़े स्तर के ऊपर अधर्म ही अधर्म हो गया, इतने बड़े स्तर के ऊपर अधर्म ही अधर्म हो गया है। जो इस देश के अंदर विपक्ष की सरकारें काम करना चाहती हैं उनको काम नहीं करने देते। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा कि गरीबों की दवाइयां रोक दी गई, अस्पतालों के अंदर गरीबों की दवाइयां रोक दी गई, गरीबों के टेस्ट रोक दिए गए, गरीबों को मरने के लिए सड़कों के ऊपर बेहाल छोड़ दिया गया। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जहां गरीब जाके अपना इलाज कराता है वहां की बिजली रोक दी गई, वहां के डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई, वहां पे काम करने वाले नर्सों और कंपाउंडरों की तनख्वाह रोक दी गई, वहां के टेस्ट रोक दिए गए। इससे बड़ा हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि पानी पिलाने का धर्म होता है, इन लोगों ने तो दिल्ली का पानी भी रोक दिया, उसमें भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। तो लोग देख रहे हैं जितनी सरकारें हैं पंजाब के अंदर, हम जितने काम करने की कोशिश करते हैं, पंजाब भगवान की दुआ से फुल स्टेट है, उतना ये नहीं कर पाते, वहां भी इन्होंने हस्तक्षेप करने में कोई कसर, जितनी ऑपोजिशन ही तमिलनाडु के ले लो, वेस्ट बंगाल के ले लो, केरला की ले लो, कर्नाटक की ले लो, हर जगह ये लोग अपना टांग अड़ाते हैं, काम नहीं करने देते लोग। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी, दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है, उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में, हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे, अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते ना उनकी फसलों का दाम, वो क्या मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। आज इस देश का युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी देने के इनके पास कुछ नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, व्यापारी बुरे हाल है, महिलाएं उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा, महंगाई इन लोगों ने इतनी ज्यादा कर दी, और एक गरीब दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि झुग्गियां एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ी जा रही है। तो खुलेआम इतना अधर्म हो गया, खुलेआम इतना चारों तरफ इतना ज्यादा अधर्म हो गया कि अब भगवान ने तय किया कि मुझे अवतार लेना पड़ेगा, समय आ गया जब मुझे उत्पन्न होना पड़ेगा, और पिछले मुझे हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और पिछले कुछ दिनों की घटनाएं ये दिखाती हैं कि भगवान ने सीधे तौर पे हस्तक्षेप करने की और उत्पन्न होने का निर्णय ले लिया है। तीस जनवरी को चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ, सुबह वोटिंग पड़ी, वोटिंग पढ़ने के बाद एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, इन्हीं का आदमी था, अनिल मसीह तो मोहरा है पीछे तो वो हैं, उन्हीं का आदमी था। उस दिन इन लोगों ने तय किया कि आज उस हॉल के अंदर द्रौपदी का चीरहरण करेंगे, उन लोगों ने, इन कौरवों ने तय किया कि आज हम जनतंत्र का, भारतीय जनतंत्र का चीरहरण करेंगे, पूरी प्लानिंग करके आए थे। उसने तय किया कि मैं असली वोटों के ऊपर उनको ठप्पे मार मार के डिफेस कर करके उनको इनवैलिड घोषित कर दूंगा और हारे हुए को जिता दूंगा। अब वहां पे श्री कृष्ण जी पहुंच गए द्रौपदी का चीरहरण रोकने के लिए, उस कमरे में दिखाई नहीं दिए किसी को, अदृश्य थे, लेकिन थे वहां पे। आप लोगों ने अगर वीडियो में देखा हो, वीडियो में वहां जितने बीजेपी वाले मौजूद थे सारे कह रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे देखे आपने वीडियो, सारे चिल्ला रहे हैं कैमरे ऑफ करो, कैमरे ऑफ करो। कैमरे ऑफ क्यों नहीं हुए?
श्री कृष्ण जी वहां मौजूद थे, उन्होंने कैमरे ऑफ किए, इन्होंने पूरी कोशिश करी कैमरे ऑफ करने की, उस दिन कैमरे ऑफ नहीं हुए। ये कोई संयोग नहीं है, ये ऊपर वाले का इशारा है, ऊपर वाले का हस्ताक्षर। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जो पूरे दुनिया के अंदर हम तो सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को 5 मिनट के अंदर भगवान ने पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया। जो लोग द्रौपदी का चीर हरण करने आए थे, जो लोग भारतीय जनतंत्र का चीर हरण करने आए थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनको पूरे देश के सामने उनका चीर हरण करके छोड़ा। और अध्यक्ष महोदय, उसके बाद की जो घटनाक्रम है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला चला, हम लोग अदालतों को मंदिर की तरह मानते हैं। न्याय देना भगवान का काम है, न्याय भगवान देता है। इसलिए जज को भगवान का, जब जज अपनी कुर्सी पे बैठ के फैसले सुनाता है तो कहा जाता है कि एक तरह से भगवान फैसला सुना रहा। लेकिन कल जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर घटा, वो उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा था। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर भगवान बोल रहे थे। ऐसे लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जुबान के ऊपर भगवान बैठे हुए थे, भगवान उनके जरिए बोल रहे थे। तो ये जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ, वो ये दिखाता है कि अब हम, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, इस सदन के माध्यम से हम इस सदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस पूरी बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश को, जनतंत्र को बचाने का काम किया। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ साफ मैसेज दे दिया भगवान ने, बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। पूरे देश के सामने सबने वीडियो देखा है, सबने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना है, सबने पूरे पिछले एक महीने के घटनाक्रम ने पूरे देश के सामने इस पार्टी का चीर हरण करके छोड़ दिया कि बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। यह कोई संयोग नहीं है कि एक छोटा सा चुनाव, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। हमने तो ऐसे सोचा था उस दिन कि ऐसे ही हो जाएगा, हमें तो एक छोटे से चुनाव ने पूरे देश के अंदर सारे देश को हिला दिया। कुछ ना कुछ तो भगवान दिखा बताने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान का संदेश है, मैं आ गया हूं। बीजेपी पाप कर रही है, बीजेपी अधर्म कर रही है, अब ये नहीं चलेगा। जिन लोगों को लगता था बीजेपी हार नहीं सकती, भगवान ने दिखा दिया कि अगर चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी देश का चुनाव भी हार सकती है। भगवान ने पूरे देश को एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करी है कि हिम्मत मत हारो, खड़े हो, तुम लोग एक बहुत बड़े देश के निवासी हो, भारत के लोग एक बहुत बड़ी संस्कृति, हमारा कल्चर 3000-4000 साल पुराना है, डर के मत बैठो, खड़े हो, आप अपना कर्म करो, तुम लोग अपना कर्म करो। कई लोगों को इस देश के अंदर लगता है कि अब तो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वोट डाल के क्या फायदा है। भगवान कह रहा है बिल्कुल नहीं, वोट डालने जाओ, ईवीएम को मैं संभाल लूंगा, सारे जने वोट डालने जाओ, कोई बिना वोट के मत रहना, वोट डालने जाओ, आवाज उठाओ, प्रदर्शन करो, इनके खिलाफ खड़े हो, भगवान तुम्हारे साथ। जैसे भगवान ने इनको बेनकाब किया चंडीगढ़ के चुनाव में, भगवान आने वाले समय में भी इनको बेनकाब करेगा और सत्य का साथ देगा। हताश होके मत बैठ, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये पाप और पुण्य की लड़ाई है। अब आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हो कि आप अधर्म के साथ हो, आप पाप के साथ हो कि आप पुण्य के साथ हो। जब पांडवों को
वनवास जाना पड़ा तो एक बार तो लगा कि अधर्म जीत गया। जब भगवान राम को वनवास जाना पड़ा एक बार तो लगा कि अधर्म जीत गया। जब दुर्योधन का राज्य आया, जब कंस का राज्य आया, जब रावण की अति हुई तो एक बार तो लगा कि अधर्म जीत गया, लेकिन अंत में तो धर्म जीता। आज भी जब चारों तरफ बीजेपी का अधर्म फैला हुआ है तो एक बार लगता है कि अधर्म जीत गया। ऐसे लगता है ना कई बार, ये तो हार ही नहीं रहे जी, ये तो एक बार लगता है धर्म जीत गया, लेकिन धर्म जीतेगा, अंत में धर्म जीतेगा। जो जो धर्म के साथ हैं, जो जो देशभक्त हैं, जो जो पुण्य के साथ हैं, जो जो लोग भगवान राम के भक्त हैं, जो जो शिव जी के भक्त हैं, जो जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो देश के साथ हैं और बीजेपी के खिलाफ हैं। भारत माता की जय, श्री राम जय, श्री राम। अब सदन की कार्यवाही वीरवार दिनांक 22 फरवरी 2024 को पूर्वान 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भोजन की व्यवस्था है, कृपया भोजन आवश्यक है।